नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन से 40,000 करोड़ का नुकसान, प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी मिसाइल, लंबी हड़ताल के मूड में बैंक कर्मचारी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन से 40,000 करोड़ का नुकसान। महाराष्ट्र में लॉकडाउन से देश को 40,000 करोड़ का घाटा हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को होगा, यह अनुमान केयर रेटिंग एजेंसी ने जताया है। रेटिंग एजेंसी केयर ने कहा है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में 0.32 की गिरावट आ सकती है। एक हफ्ते पहले इस एजेंसी ने सकल घरेलू उत्पाद यानी डीसीपी ग्रोथ का अनुमान भी घटकर 10.60 से 10.9% के बीच कर लिया है। पहले यह 11 से 12% की ग्रोथ का अनुमान था। देश के कुल कोरोना मरीजों की संख्या में महाराष्ट्र का केवल का योगदान 60% से ज्यादा है। यहाँ पर सोमवार को 57,000 से ज्यादा मरीजों की क्या पाई गई थी। तो वही दूसरी ओर प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी मिसाइल। रक्षा अनुदान और विकास संगठन ने मिसाइल सिस्टम को विकसित करने और उत्पादन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की फर्मा को अनुमति दे दी है। ये फैसला घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर प्रोग्राम के तहत हमने प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ मिसाइल सिस्टम विकसित करने और फिर उनका उत्पादन करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भागीदारी के लिए बहुत उत्साह दिखाया है। वर्टिकली लॉन्च की शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम परियोजना के लिए बोलियां भी लगी है। यह प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार की मेक इन इंडिया परियोजना के तहत किया जा रहा है। हाल ही में डीआरडीओ ने देश को रक्षा क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। डीआरडीओ ने इसी माह एयर इंडिपेंडेंट प्रोपर्शन टेक्नोलॉजी का आखिरी टेस्ट पूरा कर लिया है। तो वही तीसरी और लंबी हड़ताल के मूड में है बैंक कर्मचारी। सरकार की ओर से बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मी लगातार अपना विरोध जता रहे हैं, मगर अब इस आंदोलन को और तेज करने के लिए बैंक यूनियन ने हुंकार भरी है। बैंक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की ओर से हाल ही में बैठक भी की गई है, जिसमें लंबे समय के लिए बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की धमकी दी गई है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ परिषद देशभर के अलग अलग संगठनों के साथ बैठक की है, जिसमें आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया है। बैठक के मुताबिक बैंक यूनियन एवं संगठन के अध्यक्ष मिलकर बड़े स्तर पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। हालांकि इस दौरान तारीख की घोषणा नहीं की गई है, मगर सदस्यों के रूप के मुताबिक हड़ताल की शुरुआत जल्द ही होगी, जो लंबे समय तक चलेंगी। हाल ही में हुए बैठक में पूरे देश के विभिन्न शहरों से करीब 262 जनरल काउंसिल सदस्यों ने भाग लिया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।